हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीत एंड वेलकम टू प्रीत क्लासेस। सो आज का अपना टॉपिक है गया वर्ब ऐसे रे। ओके, सो आज तो अपनी बेसिक क्लासेस है गया जो ख़त्म होती हैं। सो आपा हूँ ग्रामर दे वाला आ गया, मीन्स अपनी लेसन का पार्ट टू शुरू हो गया है। जो एक तो बेसिक क्लास रहती है वो मैं बिच विचाले ये ही करा दाँगी, एक दो लैसन बिच पा दाँगी। सो बट आपा हूँ आप कह सकते हैं कि आप बेसिकली हूँ ग्रामर शुरू ग्रामर जी हैगी अपने अज तो शुरू कर दी है। सो जो आप गल करते हैं टेंसिज की, मीनस मैं कमेंट में भी किसी ने लिखा से कि दीदी तुम टेंसिज बनवाना कदों शुरू करोगे, है ना, मीनस फराजी कदों शुरू करोगे। सो हूँ आप शुरू कर लगे वैब वैब जेडे मैं थोड़ा सब तो पहला लिखे लिखाए थे। तो जो इटालियन जेडे सब तो टॉप टू वैब हैगे वो है एसेरे ओ अवेरे। एसेरे मीनस टू बी, ओ अवेरे मीनस टू हैव। सो एसेरे ओ अवेरे जो इटालियन लैंग्वेज हैगी है वो एक तरह तो इन्हें दो वर्ब्स के आले दुआले घूमती है। मीनस जे तुहानू ये दो वर्ब नहीं क्लीयर हैगे तो तुसी कदे भी इटालियन नहीं बोल सकते। सो अज आपां सिर्फ इस आपां वीडियो च सिर्फ आपां एसेरे की गल करांगे। ओके, सो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो प्लीज़ हैव अ पेशेंस। ओके, सो शुरू करते हैं। सब तो पहला वर्ब एसेरे। एसेरे मीन्स टू बी, टू बी मीन्स हाँ। तो वर्ब एसेरे है जो फोर टाइप च होंगे। ओके, प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंटे जिदे विच आपां वर्तमान काल की गल करते हैं। इम्परफेक्ट टेंस, ओके, समीप भूतकाल। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स पसात प्रोसिमो। फ्यूचर फुतूरो। ओके, सो ये चार टाइप दे होंगे, चार टाइप विच आंदा है वर्ब एसेरे। सो हूँ मैं थोड़ा दसदी हाँ कि वर्ब एसेरे यूज़ किदा करना है। तो सब तो पहला आप प्रेजेंट की गल करते हैं कि प्रेजेंट दे विच वर्ब एसेरे किदा यूज़ करते हैं। सब तो पहला आप फर्स्ट नंबर पर देखते हैं वर्ब एसेरे इन प्रेजेंट फॉर्म। ओके, प्रेजेंट टेंस इन वर्ब एसेरे। सो वर्ब एसेरे नू एक तरह तो एक इंडिकेशन वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है, मीन जिदे विच आप इंडिकेट करते हैं अपने आप नू या दूजे नू। ओके, सो सब तो पहले दी फॉर्म देख लेते हैं जो वर्ब एसेरे चेंज होता है। इयो सोनो, इयो सोनो मीन्स आई एम। इयो इत्थे सब्जेक्ट है, सोनो वर्ब है। ओके, इयो सोनो मीन्स जिदा आप इंग्लिश विच कहते हैं आई एम। तू सई, तू सई मीन्स यू आर। तू सब्जेक्ट, सई मीन्स आर। ओके, वैब, तू सई यू आर। लुई ओ लई ए, शी ओ ही इज। ए मीन्स ही इज। नोई सियामो, इस साइड है सिंगुलर फॉर्म हैगी है वर्ब दी, ते इस साइड ते ए हैगी है दी प्लूरल फॉर्म। ओके, इतने आप सिंगल परसनस बारी गल कर रहे हैं, इतने आप मल्टीपल परसनस बारी गल करांगे। जिदा कि नोई सियामो, वी आर। वोई सियते, यू आर। लोरो सोनो, दे आर। सो हुण तुसी नोटिस करोगे इतने थोड़ा ये ट्रिकी होने वाला है। ओके, सो तुसी देखोगे इयो सोनो और लोरो सोनो मीन्स सोनो सेम हैगा या। वट हैपन जे वी जस्ट आप ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी सब्जेक्ट नहीं लेके चलेंगे। ओके, मीन्स कई बार आप इटालियन इदा कर देंगे, आप सब्जेक्ट नहीं बोलते, सीधा वैब तो ही चल देंगे, मीन्स सोनो त्रीसते सेम ही हो जूगा। सोनो त्रीसते जे कोई इदा बोलूगा तो तुसी किदा समझोगे कि वह अपनी गल कर रहा है या दूजे की गल कर रहा है। ओके, सो मैं तुहानू ए भी क्लीयर करांगी बट थोड़ा अगे, बट तुसी पहला ये देखो मीन्स इयो सोनो I am, तू सई you are, लुई ए लई she is, ओ ही इज, नोई सियामो वी आर, वोई सियते यू आर, लोरो सोनो दे आर। ओके, सो ये क्लीयर हो गया। तो हुण मैं तुहानू दसदी हाँ कि प्रेजेंट टेंस विच एसेरे च आपां कित्थे कित्थे यूज़ कर सकते हैं। ओके, जे तुसी ये लिस्ट याद कर लोगे कि आपां इसनू कित्थे कित्थे यूज़ कर सकते हैं तो तुहाडे वास्ते बहुत ही सिंपल हो जूगा ये देखना, तुहानू बिल्कुल पता लग जूगा कि आपां ने कित्थे कित्थे इनू मीन्स यूज़ करना है। सो प्रेजेंट टेंस वर्ब एसेरे तुसी यूज़ करते हो जदों तुसी अपने आप नू इंट्रोड्यूस करना हुंदा है। इंट्रोड्यूस योर सैल्फ मीन्स मैं अपना किसी नू ना दसना है। इयो सोनो प्रीत, आई एम प्रीत। ओके,
वेयर आर यू फ्रॉम, जे किसी तुम्हें दसना है कि तुम कितने तो हो है हो, मीनस अपना सिटी दसना है, अपना शहर दसना है. ओके, जिमें सोनू दी इंडिया, सोनू दी इटालिया. ओके, सोनू इंडिया आना, या फिर तुम अपनी नेशनैलिटी दसनी है, सोनू इंडिया आना. ओके, प्रोफेशन, जे तुम अपना प्रोफेशन दसना है कि तुम की तुहरा प्रोफेशन की है. ओके, फॉर एग्जाम्पल सोनू इंसान्ते, ये सोनू इंसान्ते, मैं किन से न्यानते, मतलब कि मैं एक टीचर हाँ. ओके, सोनो उन एतोरे, मैं एक एक्टर हाँ. ओके, प्रोफेशन दसन वास्ते. इमोशंस, इमोशन दसन वास्ते भी आप प्रेजेंट टेंस विच वर्ब ऐसे यूज कर दिया, जिमें मैं बहुत दुखी हाँ, सोनो त्रीसते, मैं बहुत खुश हाँ, सोनो कॉन्टेंटा. ओके, सो ये तुसी याद कर लो, यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वेयर आर यू फ्रॉम, प्रोफेशन और इमोशंस, इन्हों दसन वास्ते अपना वर्ब एसरे यूज कर दिया इन प्रेजेंट फॉर्म. सो एक थान पर वर्ब एसरे एक जग एक तरह तो एक हैल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है. ओके, वो मैं तुहानू अगे दसांगी कि हैल्पिंग वर्ब की तरह किदा यूज़ किया जाता है. सो आप हूँ अपना क्लीयर हो गया कि अपन पता लग गया वर्ब एसरे विच सब्जैक्ट की है तो वर्ब की है, तो क्योंकि जो एक टेंस होंगे थ्री चीज़ों को, तीन चीज़ों लेके बनता है. ओके, विद इन थ्री थिंग्स. ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, सॉरी, या वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो आपको पता है कि सब्जेक्ट अपने को हैगी है, जिदा ईओ, तू, लई, नोई, वोई, लोरो, ये सारे हैगे हैं अपने सब्जेक्ट. ओके, मीन्स नाउन. उस तो बाद आता है सोनो, सैई, ए, सियामो, सियेते, सोनो, ये अपने हो गए वर्ब जो अगर सानू हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं. ओके, सो हूँ आप देखते हैं इन्हों टेंसिस के रूप में किदा यूज़ करना है, सो थोड़े वास्ते थोड़ा ईजी हो जूगा. एग्जाम्पल्स गाइस, जिदा मैं थोड़ा दसिया सी कि आप यूज़ करते हैं टू इंट्रोड्यूस माई सैल्फ. ओके, और अपनी नेशनैलिटी या फिर अपना नेशन दसन वास्ते ते अपना प्रोफेशन दसन वास्ते. सो मैं थ्री एग्जाम्पल राइट करते हैं. सब तो पहला जो आप अपने आप में इंट्रोड्यूस करते हैं, मीन्स आई एम प्रीत, आई एम प्रीत, मैं प्रीत हाँ. ईओ सोनो प्रीत, मीन्स मैं अपना नाँ दसिया है कि मेरा नाँ की है प्रीत, आई एम प्रीत. ओके, सेकेंड ते मैं अपना नेशन दसिया है, मीन्स नेशनैलिटी दसी है की है. ईओ सोनो इंडियाना, ते मैं की हाँ, मैं इंडियन हाँ, आई एम इंडियन. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया. थर्ड एग्जाम्पल जिदे विच मैं तुहानू दस्या सी प्रोफेशन दसन वास्ते, ईओ सोनो इंसेनियांते, मीन्स आई एम टीचर. इंसेनियांते अंडरलाइन करके लिख लो कि इंसेनियांते का मीन्स होंगे है टीचर. सो ये हो गए अपने तीन एग्जाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नाँ दसिया, मीन्स अपना इंट्रोड्यूस किया अपने आप नू. सेकेंड अपनी नेशन और नेशनैलिटी दसी, इतने मैं इदा भी कह सकती सी ईओ सोनो इंडियाना. ओके, या फिर ईओ सोनो दी इंडिया, मीन्स मैं इंडिया तो हाँ. ओके, सो ईओ सोनो इंसिनियांते, ओके, मीन्स मैं अपना प्रोफेशन दस्या, आई एम अ टीचर. तो अगे चलते हैं हूँ आप अपने इमोशंस किदा दस सकते. सो इतें मैं तू सही की गल की है, मीनस तुम्हें यू आर के बारे भी पता चल जाए. इतने आप इमोशंस की गल दस रहे कर रहे हैं, मीनस मैं इतने लिखा तू सही कॉन्टेंटा, मीनस यू आर हैप्पी, तुसी खुश हो, तू खुश है. ओके, तू सही कॉन्टेंटा, तू खुश है. ओके, जे मैं एक कुड़ी दे बारे गल कर रही हाँ तो मैं कॉन्टेंटा, मीनस एंडिंग विद आ करूँगी. बट जे मैं किसी मुंडे नू कह रही हाँ तू सही कॉन्टेंटो, तो मैं एंडिंग विद ओ करूँगी. ओके, सो जे तुसी किसी कुड़ी नू कह रहे हो, तुसी कहोगे तू सही कॉन्टेंटा, यू आर हैप्पी. ओके, इदा ही सेम तू सही कॉन्टेंटो, मीन्स यू आर हैप्पी. कॉन्टेंटा एंडिंग विद आ मीन्स गर्ल, कॉन्टेंटो मीन्स मेल, और कॉन्टेंटा मीन्स फीमेल. ओके, सो मैं इतने अपने बारे गल कर रही हाँ. ईओ सोनो त्रीसते, कॉन्टेंटा का मीन्स होंगे हैप्पी, अंडरलाइन करके तुसी इदा मीनिंग लिख लो, कॉन्टेंटा मीन्स हैप्पी, त्रीसते सैड. ईओ सोनो त्रीसते, आई एम सैड, मीन्स मैं इमोशन दसती हाँ, मैं दुखी हाँ. ओके, लोई ए, इतने मैं थोड़ा एक ही लाइन सेंटेंस में दसिया ना मुंडे ते कुड़ी बारे, इतने मैं अलग अलग लिखी है. लुई, लुई हमेशा आप
मेल वास्ते यूज कर दे हैं, ओके। लुई ए कॉन्टेंटो एंडिंग विद ओ, ओके। लुई मीन्स ही इज हैप्पी, ओ खुश है। लुई ए कॉन्टेंटो। लई लई बरते आंदा हमेशा फीमेल लई। लई ए कॉन्टेंटा एंडिंग विद आ मीन्स लई। बट तुसी इसनों पोलाइट वे भी यूज कर सकते हो, मीनस जे तुसी सामने वाले नू रिस्पैक्ट देना चाहते हो, फिर भावें वह मेल होवे फीमेल होवे, तुसी लई यूज करोगे। मीनस मेरे तो सामने वाला बंदा, मैं उसनों रिस्पैक्ट नाल गल करना चाहती हाँ, तो मैं कहूँगी लई ए कॉन्टेंटो, मीन्स मैं इत्थे उसनों रिस्पैक्ट दे रही हाँ। तो मैं ही और शी की थान पर, दोवां की थान पर लई वरत सकती हाँ, ओके। बट इत्थे उही फंडा रहेगा सेम, जे वह मेल है तो कॉन्टेंटो, अगर वह फीमेल है तो कॉन्टेंटा, ओके। ये हो गया अपने सिंगुलर विच। हुण आपां मैं तुहानूं दसांगी इन्हां नूं प्लूरल च किद्दां आपां यूज़ करना हैगा आ। सो आपां ने सिंगुलर फॉर्म देखी सी, हुण आपां प्लूरल च देखांगे। मीनस जे आपां बहुत सारे बंदियां दी गल कर रही हैगे आ, उत्थे आपां श्योर नहीं हाँ कि उह मुंडे आ कुड़ियां हैगियां, तो आपां कहोंगे नोई सियामो मीन्स वी आर। नोई सियामो वी आर कॉन्टेंटी मीन्स happy, we are happy. Noi siamo contenti means तुसी ख्याल रखना है, जदों इत्थे तुसी प्लूरल करोगे तो तुसी इत्थे contenta या contento नहीं लगाओगे, मीनस ए नोट अ सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म नहीं है, ए प्लूरल हो गई, तो इत्थे हमेशा एंडिंग विद ई होगा, ओके। Noi siamo contenti, we are happy. Voi siete, you are contenti, हैप्पी, यू आर हैप्पी, मीन्स उत्थे सिंगल दी गल नहीं कर रहा। जे मैं इत्थे ऑब्जेक्ट मिस भी करदा, मीनस जिद्दां कि कई बार इटालियन लैंग्वेज विच होंदा है कि आपां सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नूं मिस कर दिंदे आ, मीनस मैं कहां सीएते कॉन्टेंटी, तो जदों मैं सीएते बोलांगी तां तुसीं ऑटोमैटिकली समझोगे कि मैं वॉई दी गल कर रही हाँ। जे मैं कहांगी सियामो कॉन्टेंटी मीनस मैं नोई नहीं बोलिया, नो इज नॉट, मैं मिस करता, मैं बोलिया सियामो कॉन्टेंटी, सियामो मीन्स नोई, कॉन्टेंटी मीन्स असी खुश हाँ, सीएते कॉन्टेंटी मैं मिस करता सब्जेक्ट नू, बट फिर भी मैं अंडरस्टैंड करांगी सीएते नाल कि ओ मैं उन्हां दी गल कर रहा, सीएते कॉन्टेंटी, यू आर हैप्पी। ऐदा ही सोनो कॉन्टेंटी, हुण एक कन्फ्यूजन थोड़ा ट्रिकी हो गया है ना, सोनो आपां ईओ सोनो लई भी वरतदे हाँ, तो इत्थे भी आपां ने सोनो वरत्या, बट जे मैं इत्थे सब्जेक्ट मिस करा तो हाउ यू गाइज अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगुलर और प्लूरल। सो एक बहुत ही सिंपल फंडा हैगा है, सोनो इज सैम, तुसी देखना है कि मैं पीछे कॉन्टेंटी बोल रही हाँ या कॉन्टेंटो बोल रही हाँ। जे मैं सोनो कॉन्टेंटा मीन्स मैं ईओ सोनो वाले सोनो की गल कर रही हाँ, मीन्स सिंगुलर, बट जे मैं कह रही हाँ सोनो कॉन्टेंटी मीन्स प्लूरल है, मीन्स मैं लोरो सोनो वाली मीन्स प्लूरल की गल कर रही हाँ, ओके। सो इट्स वेरी सिंपल। सो ये हो गया अपना प्रेजेंट टेंस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं थोड़ा ये भी दसदा, जिदा प्रेजेंट विच होंदा आई एम, ओके। सो आई एम प्रेजेंट विच आपां वर्ब एसरे नूं कदे भी अपनी एज दसन वास्ते यूज़ नहीं करते, मीन्स जिदा इंग्लिश विच होंदा है, फॉर एग्जाम्पल मीन्स इंग्लिश आप अपनी एज दसते हैं आई एम 25 ओके ईयर ओल्ड, बट इटालियन आप कदे भी अपनी एज एसरे च नहीं दसांगे, ओके। सो तुसी आई एम देख के कन्फ्यूज ना हो जाना कि तुसी कहोगे इो सोनो वेंती चिंकवे आनी, नो इस सोंग। अपनी एज दसन वास्ते असी हमेशा वर्ब अवेरे दी यूज़ करते हैं, अवेरे मीन्स टू हैव, ओके। वो आप नैक्सट टॉपिक गल करांगे। सो वर्ब एसरे च कदे भी तुसी अपनी एज नहीं दसोगे, उहदे विच तुसी सिर्फ अपना नाम दसोगे, तुसी कित्थे तो हैगे हो, अपनी नैशनैलिटी जो मैं तुहानूं पहले ही दस चुकी हाँ कि तुसी की दसोगे। सो हुण आपां चलदे हाँ नैक्सट टॉपिक वल। तुहानूं हमेशा याद रहे इस करके मैं लिख दिता है कि वर्ब एसरे नॉट यूज्ड फॉर एज, ओके।
कदे भी अपनी एज दसन वास्ते वर्ब ऐसे असी नहीं यूज़ करांगे। ओके सो एक होर सिमिलैरिटी हैगी है जोड़ा डिफरेंट हैगा है, जिदा आप इंग्लिश विच आई एम कॉन्टीन्यूज वास्ते यूज़ करने दिता, आई एम स्पीकिंग मीन्स मैं बोल रहा हाँ, मीन्स मैं किरिया कर रही हाँ। ओके प्रेज वर्तमान किरिया मीन्स मैं वर्तमान काल में किरिया कर रही हाँ, आई एम स्पीकिंग मैं बोल रही हाँ। बट तुसी इटालियन कदे नहीं कहोगे इदा सोनो पर लान दो, नो। ओदे वास्ते एक होर वर्ब यूज हुंदा है जो हैगा वर्ब स्टारे टू स्टे, इनू मैं तुहानू अगे क्लीयर करांगी कि कॉन्टीन्यू सेंटेंस आपां इटालियन च किद्दां बनांदे हां। ओके सो प्लीज़ तुसी ये दो गल्लां याद रखना, वर्ब ऐसरे च कदे भी आपां अपनी एज नहीं दसते और सैकेंड उसनू कदे भी कॉन्टीन्यू सेंटेंस विच नहीं यूज़ करते। सो अपना नैक्सट सेरी टाइप हैगी है वह हैगी इम्परफेक्ट टेंस। ओके इम्परफेक्ट टेंस विच आपां जे गल करते हैं सो आपां यूज़ करते हैं वी यूज टू डिस्क्राइब थिंक और स्टेट्स इन द प्लेस। ओके इनू आपां अपना कुछ किसी चीज़ बारे दसन विच और किसी जगह थां बारे दसन विच यूज़ करते हैं, मीनस जिदा आई यूज टू मैं उस चीज़ नू करता सी बट इन पास्ट। ओके इहदे विच आपां पास्ट की गल कर रहे हैं। ओके सो एक इदा हो गया इयो एरो मीनस इयो एरो मीन्स आई वॉज ओ आई यूज टू। ओके मीन्स मैं सी। ओके मैं सी हो गया मीन्स पास्ट में चला भूतकाल चला गया, तू एरी यू वर ओ यू यूज टू। ओके लुई ओलाई एरा मीन्स शी ओ ही वॉज। ओके शी ओ ही वॉज ओ शी ही यूज टू मीन्स जो कि मैं कुछ काम सी वो मैं पास्ट विच कीता भूतकाल विच चले गए आप। ओके सो इयो एरो तू एरी लुई लाई एरा मीन्स ए होगी सिंगुलर फॉर्म, ए एक हुण इरेगुलर इन प्रेजेंट टेंस हो गया। ओके एंड इनपरफेक्ट टेंस विच हो गया है। हुण मैं तुहानू दसदी हाँ इहनू प्लूरल च आपां किद्दां लिखदे, सेम ही हैगा जिद्दां आपां ने इहदे प्रेजेंट कीता सी मीन्स नोई सियामो असी हाँ, इदा ही आपां इहनू पास्ट विच करांगे नोई एरा वामो असी सी वी वर असी सी मीन्स नोई एरा वामो मीन्स असी सी पास्ट विच, वोई एरा वाते यू वर तुसी सी, लोरो एरानो देवर ओहो सन। ओके मीन्स ये अपना पास्ट की गल कर रहे हैं। सो मैं थोड़ा एक दो एग्जाम्पल लिखवादी हाँ जिदे ज़्यादा क्लीयर हो जूगा कि इन्हों कि वर्तना है अपने। ओके फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत थकिया होया सी मीन्स मैं पास्ट की गल कर रही हाँ कि मैं थकिया होया सी, सो इयो एरो स्तांको मीन्स जे एक मुंडा दस रहा है इयो एरो स्तांको। ओके जे मैं कल की भी गल कर रही हाँ इयो एरो स्तांको मीन्स मैं बहुत थकिया होया सी, बट जे मैं कुड़ी होवांगी तो मैं कहूँगी इयो एरो स्तांका मीन्स मैं थकी हुई सी। सो ये हो गया सिंगुलर फॉर्म। ओके इदा ही तुसी इहदे विच कर सकते हो ओ तू थक्या होया सी, तू थक्या होया मीन्स तू एरी स्तांको। ओके ओ थक्या होया सी लुई एरा स्तांको। ओके सो ये तुहाडी तीन ही टाइप नाल हो गए, मैं थक्या होया सी इयो एरो स्तांको, तू थक्या होया सी तू एरी स्तांको, ओ थक्या होया सी लुई एरा स्तांको। सिंगुलर फॉर्म क्लीयर हो गई। सो आप आते हैं प्लूरल ते। ओके बचपन विच असी दोस्त सन। ओके आप बचपन की गल कर रहे हैं, बहुत पुरानी गल होगी बचपन विच असी दोस्त सन, मे बी प्रेजेंट विच नहीं है। ओके सो इसनू कहोगे द बंबीनी मीन्स बचपन फ्रॉम चाइल्डहुड नोई मीन्स असी नोई वी एरा वामो वर अमीची मीन्स इन पास्ट वी आर अ फ्रेंड। ओके इन चाइल्डहुड वी आर अ फ्रेंड वी वर फ्रेंड्स मीन्स बचपन विच असी दोस्त सन, मीन्स वो प्रेजेंट विच मे बी नहीं हैगे या हैगे हैं बट वो बचपन की गल कर रहा है कि जे दोस्त सन मीन्स हुण वो नहीं हैगे
बचपन विच ओ मीची सीगे। ओके कल बहुत सोहना दिन सी, मीन्स कल का जिहड़ा दिन सी जो लंघ चुक्या है, इन पास्ट हो गया, भूतकाल भी चला गया, बहुत सोहना दिन सी, तां उसनों आपां इटालियन कहूंगे येरी एरा ऊना बेलिसिमा जोरना आता, मीन्स बहुत ही सोहना कल का जिहड़ा दिन सी बहुत सोहना सी, येरी एरा ऊना बेलिसिमा जोरना आता। ओके सो जिहड़ा ये हैगा आ परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसनों कई बार आप जिदा इंग्लिश विच यूज़ करते हैं ना, फ्लाइट विच भी यूज़ कर लेते हैं। सो मैं तो थोड़ा एग्जाम्पल दसती हाँ कितना। सो फ्लाइट विच आप इसनों इस तरह यूज़ करते हैं जिदा सेम इन इंग्लिश विच यूज़ करते हैं। ओके वर यू गाइज इंट्रस्टड इन दिस ऑफर, मीन जो तुम प्रेजेंट विच है कि और इम्परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, मीनस तुम्हें पूछने वास्ते कि तुम उसते इस ऑफर से तुम्हें कोई इंट्रस्टिंग नूं की कहिंदे आ, इंट्रस्ट हैगा कि नहीं हैगा। ओके सो उसनों आप इटालियन च पुछदे हाँ एरावाते इंतरसांते इन क्वेस्टा ऑफेरता, मीनस आपां गल आपां हैगे प्रेजेंट चा बट आपां गल उसनों मीनस सिर्फ एक पोलाइट वे च उन्होंने पूछने वास्ते आपां एरावाते यूज़ कर रहे हैगे हाँ। ओके सो ये हो गया अपना इम्परफेक्ट टेंस। हुण आपां चलते हैं नैक्सट टाइप पर, प्रेजेंट परफेक्ट मीनस पसातो प्रोसिमो। पसातो प्रोसिमो, पसातो प्रोसिमो मीन्स वो पास्ट तो कोई काम कर रहा है तो हुण तक वो मतलब कर रहा है। ओके मीन्स जिदा आप इंग्लिश विच यूज़ करते हैं आई हैव बीन। ओके इओ सोनो स्टातो, इत्थे ये एक तरह तो ये लग्जरी वर्ब की तरह भी काम करता है, मीन्स इत्थे इओ सोनो सही इट्स हैल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं आप इन्होंने। ओके ये हैल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। ओके सो सिंपल फॉर्म देखते हैं, पहला सिंगुलर इयो सोनो स्टातो मीन्स आई हैव बीन, मैं गया हाँ या मैं रहा हाँ। ओके तू सही स्टातो जो मुंडा है, तू सही स्टाता जो कुड़ी है, यू हैव बीन तू गया है। ओके लुई ओ लै ए स्टातो, लुई ए स्टातो इफ मेल, लै ए स्टाता जो कुड़ी है, शी ओ ही हैज़ बीन, मीन्स वो कोई काम पास्ट तो आ रहा है करता हुआ बट वो हाली तक भी है, कॉन्टिन्यू है वो। ओके सो ये होती सिंगल फॉर्म होगी। हूँ आप प्लूरल फॉर्म भी चलते हैं, नोई सियामो स्ताती असी गए हाँ, इफ बॉयज़ हैं तो स्ताती, नोई सियामो स्ताती मीन्स जे वो बहुत सारे लड़कियाँ हैं मीन्स फीमेल है, असी गए हाँ। सेम फंडा इतें वोई सियते स्ताते जे बॉयज़, वोई सियते स्ताते इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स तुसी गए हो, लोरो सोनो स्ताती दे आर, ओके दे हैव बीन, ओके ओ पूरे जो लड़कियां तो लोरो सोनो स्ताते ओ गए हैं। सो ये हो गया क्लियर आपनों कि ये हैगा अपना पसातो प्रोसिमो। ओके मैं हूँ तुहानू ये एग्जाम्पल देंदी हाँ तो तुहानू होर चंगी तरह क्लीयर हो जूगा कि तुसी पसातो प्रोसिमो किदा यूज़ करना हैगा या। ओके सो मैं तुहानू दोनों फॉर्म विच ये आंसर किए या सेंटेंसेस बनाया, एक तो रहा है और दूजा गया है। ओके सो पहला देखते हैं को मैं सही स्ताता येरी, ओके तुसी कल किदा रहे, ओके सोनो स्ताता बैरे मैं ठीक रहे हैं। ओके ये हो गया सिंगुलर फॉर्म विच। सो मल्टीपल फॉर्म च मिल सॉरी मीन्स गया हाँ च सही माई स्ताता इन सिचिलिया, तुसी कदे सिचिलिया नहीं गए, सिचिलिया मीन्स एक सिटी का नाम है, वो पूछ रहे हैं सही माई स्ताता इन सिचिलिया तुसी कदे भी सिचिलिया नहीं गए, ए बेलीसिमो ये बहुत सोहना है। ओके मीन्स इतने गए की गल हो रही है तो इतने रहे की गल हो रही है। सो आई होप कि तुहानू ये क्लीयर हो गया होएगा, मीन्स इन्ना कोई भी बिल्कुल भी मतलब कि हैगा नहीं, इदा नहीं हैगा कि बहुत मुश्किल है, सिर्फ तुसी याद रखना जो तुसी ख्याल रखना है, जो तुसी किसी नाल गल कर रहे हो तो तुहानू अद्धे जिहड़ा हैगा जे तुहानू कन्फ्यूजन होंदा है कि वो किहड़े मीन्स वो किहड़े उहदे विच टाइम पीरियड च गल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुहानू किसी ने क्वेश्चन किया कोमे सेइस ताता येरी,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬ ਐਸਰੇ ਸਤਾਤ ਐਸਰੇ ਪਸਾਤੋ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਓਗੇ ਸੋਨੂੰ ਸਤਾਤ ਆ ਭੈਣ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਰਬ ਐਸਰੇ ਫਤੂਰੋ ਮੀਨਸ ਫਿਊਚਰ। ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਈਓ ਸੋਨੋ ਸਤਾਤਾ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਮੀਨਸ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਈਓ ਸੋਨੋ ਸਤਾਤਾ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ। ਓਕੇ ਮੀਆ ਸੋਰੈਲਾ ਐਸ ਤਾਤਾ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਫਿਊਚਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਮੀਨਸ ਫੋਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੀਨਸ ਲਾਸਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਫਤੂਰੋ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰਲੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਅਨਸਰਟਨ ਫਿਊਚਰ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂ ਮੇਕ ਆ ਗੈਸਿਸ, ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਟ ਗੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਮੀਨਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਫਤੂਰੋ, ਈਓ ਸਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੇਂਤੂ ਹੈ ਮੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਈਓ ਸਰੋ ਮੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਓ ਸਰੋ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਓਕੇ ਤੂੰ ਸਰਾਈ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਓਕੇ ਲੂਈ ਓ ਲਈ ਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਇਹ 'ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੀਨਸ ਨਾਮ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਸਿੰਪਲ ਕਹੋਗੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਨੋ ਲਈ ਸਰਾ ਓਕੇ ਸ਼ੀ ਉਹ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਫੋਰਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਲੂਰਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਈ ਸਾਰੇਮੋ ਮੀਨਸ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵੋਈ ਸਾਰੇਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੋਰੋ ਸਾਰਾਨੋ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਸਟ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵਾਂਗੀ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ਿਓਰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵਾਂ, ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ਿਓਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੀ ਈਓ ਸਰੋ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵਾਂ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ਿਓਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਓਕੇ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਗੈਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਸੋ ਗੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਖੈ ਜੋਰ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਕੀ ਦਿਨ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਬੋ ਬੋ ਸਰਾ ਮਾਰਤੇ ਦੀ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ਿਓਰ, ਮੈਂ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇ ਬੀ ਓ ਮਸਟ ਬੀ ਮਰਤੇ ਦੀ। ਓਕੇ ਬੋ ਸਰਾ ਮਰਤੇ ਦੀ, ਓਕੇ ਬੋ ਸਰਾ ਜਵੇ ਦੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਬੋ ਸਰੋ ਇਨ ਸੇ ਆਨ ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਟੀਚਰ ਬੋ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ਿਓਰ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਫਿਊਚਰ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ, ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਐਸਰੇ ਦੀ ਚਾਰ ਟਾਈਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੈਸਿਸ ਔਰ ਅਨਸਰਟਨ ਇਵੈਂਟਸ ਫਿਊਚਰ ਇਵੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਈਸ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਯੂਜ਼ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।